आज हम शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 58। ये आपकी केजी टू सेकंड क्लास की, इसके अलावा थर्ड टू फिफ्थ और सिक्स टू एट क्लास की जो वर्कशीट्स आती हैं वो भी मैंने डाल दी हैं, और जो सिक्स सेवन्थ एट की अलग अलग वर्कशीट्स आती हैं वो भी मैंने डाल दी हैं। आप लोग वो भी ले सकते हैं, अगर आपके बड़े भाई बहनों को किसी को ज़रूरत हो तो आप लोग बता दीजिए उन्हें भी। चलिए तो शुरू करते हैं। इसको आप लोग पहले अच्छे से लेबल कर लेंगे या अपने पेरेंट्स से लिखवा लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने क्लास और सेक्शन और अपने क्लास टीचर का नाम आप लोग लिखवा लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। खेल खेल में, यानी खेल खेल में आपको सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे, चलिए पढ़ते हैं। खेल का सामान बेचने वाले एक दुकानदार को और सामान खरीदने जाना है, यानी एक आपके खेलने का सामान बेचते हैं दुकानदार अंकल, उनको और सामान खरीदने के लिए बाहर जाना है। उसके पास हर खेल का सिर्फ एक ही सामान बचा है, यानी कुछ खेल ऐसे होते हैं ना जो दो चीज़ों के साथ खेले जाते हैं, जनरली सारे खेल ऐसे ही होते हैं जिनके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें। ठीक है, तो उनके पास एक तो सामान है, दूसरा उनके पास नहीं है, तो वो उन्हें लेने जाना है। खेल पहचान कर दूसरे सामान का चित्र बनाइए और दुकानदार की मदद कीजिए, साथ ही खेल का नाम भी लिखिए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखिए जब आपको वर्कशीट ये मिली होगी तो इसमें आपको ये चीज़ तो बनी हुई मिलेगी, ये वाली मैंने खुद नहीं लगाई है। ठीक है, ये वाला पूरे रो में जो आपको सामान है वो आपको बना मिलेगा, ये वाली रो और ये वाली रो आपको खाली मिलेगी। इसका आंसर मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ क्या लिखा है, खेल का सामान, ठीक है, जो उनके पास मौजूद है, खेल का दूसरा सामान जो उनके पास नहीं है, और खेल का नाम, ये सिर्फ फर्स्ट टू सेकंड क्लास के बच्चे लिखेंगे, केजी क्लास के बच्चे इसको नहीं लिखेंगे। तो देखिए ये क्या है, बैडमिंटन का बैट है, तो उसको क्या लाना है, शटल कॉक लाना है, यानी कि बैडमिंटन की जो चिड़िया होती है जिसे हम लोग बोलते हैं ना, इस गेम को क्या कहते हैं, बैडमिंटन। नेक्स्ट क्या है आपका गेम, लूडो। ठीक है, अब लूडो की जो तख्ती होती है वो उनके पास है, अब उन्हें क्या लाना है, लूडो की गोटी वगैरह लानी है। पहले ज़माने में तो ऐसी गोटी वगैरह डाइस होते थे, अब ऐसे आने लगे हैं। ठीक है, तो दोनों वही हैं, मैंने दोनों चित्र लगा दिए हैं, आपको थोड़ा थोड़ा बनाना भी है ना, तो आप बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्या हो गया आपका, ये लूडो। ठीक है, तो ये लूडो हो गया। अब अगला क्या है आपका, कैरम। तो देखिए ये कैरम की गोटियाँ हो गई, तो ये क्या लिख दिया हमने, कैरम। उसके बाद देखिए आपका ये क्या है, बैट। तो बैट के लिए क्या चाहिए होता है, बॉल, तो हमने क्या लिख दिया, बैट बॉल किसे खेला जाता है, क्रिकेट, है ना। इसके बाद क्या, लट्टू। लट्टू के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रस्सी, तो ये क्या हो गया आपका, लट्टू। ठीक है, यानी अब उसे मार्केट से रस्सी खरीदनी है। ये आपका क्या, हॉकी स्टिक, है ना, तो अब हॉकी किससे खेला जाएगा, बॉल के साथ। तो देखिए ये वाली जो बॉल है, ये जहाँ बर्फीला इलाका होता है ना, वहाँ इस बॉल से खेलते हैं, और जैसे हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली वाले इलाके में इस वाली बॉल से खेला जाता है, इसे क्या कहते हैं, हॉकी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने लिख दिया। चलिए क्वेश्चन आपका जो है, इसका क्या आंसर है, देखिए लिखा है आपका मन पसंदीदा खेल कौन सा है और क्या आप इस खेल को खेलने का तरीका बता सकते हैं। तो देखिए मैंने अपना लिख दिया लूडो, क्योंकि आजकल वैसे भी घर में सब लोग बैठे हैं तो लूडो खेलना ही मुझे पसंद भी है, तो मैंने तो अपना लूडो लिख दिया। अब आपको जो भी खेल पसंद हो तो आप लिख देंगे कि मुझे ये गेम पसंद है। और देखिए यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, हाँ हो गया है, लेकिन ये आपको हाँ लिखना है, क्या लिखना है, हाँ, क्यों, क्योंकि उन्होंने अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या आप इसको खेलने का तरीका बता सकते हैं, तो आपको लिख देना है हाँ हम इसको खेलने का तरीका बता सकते हैं, क्योंकि आपसे पूछा नहीं गया कि खेलने का क्या तरीका है, तो इसलिए आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो आपका है, लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, आजकल आप घर में कौन कौन से खेल खेलते हैं और किसके साथ खेलते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़, लॉकडाउन चल रही है तो मैं घर में लूडो और कैरम ही खेलती हूँ, और अपने परिवार के सदस्यों के साथ खेलती हूँ, कभी भाई के साथ तो कभी पापा के साथ, है ना, कभी मम्मी के साथ, तो इस तरह से मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही खेलती हूँ, क्यों, क्योंकि कोई बाहर वाला तो हमारे घर में आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग भी इसे कर लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।